दोस्तों आज के वीडियो में जो सॉफ्टवेयर की मैं बात करने वाला हूँ वो सॉफ्टवेयर बताने से पहले मैं कुछ एग्जांपल बताना चाहूँगा कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है एग्जांपल ले लो कि आप एक कंपनी में काम करो आपके बॉस ने आपको एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा है आपने वो प्रेजेंटेशन अच्छे से बना दिया पावर पॉइंट के अंदर अब बॉस ने कहा कि भाई इसे पी में कन्वर्ट करके मुझे ई मेल करो तो आपने जैसे बॉस ने कहा वैसे किया यानी पी में कन्वर्ट किया और उसे ई कर दिया अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सीडेंटली आपकी जो एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट की जो जिसमें आपने प्रेजेंटेशन बनाया वो फाइल आपसे गलती से क्लोज होगी आपने पी तो कर दिया नो no प्रॉब्लम तो आपने सोचा कि यार पी कर दिया अभी टेंशन नहीं है पावर पॉइंट की फाइल क्लोज हो गई तो होने दो तो। लेकिन बॉस ने कहा कि यार इस पी में हमारी कंपनी का एक लोगो का पोजिशन ऐड करना है या फिर हेडर एंड फुटर ऐड करना है या कुछ कंटेंट ऐड करने हैं तो अब आप टेंशन में हो जी यार दोस्तों तो ऐसे टेंशन की वक्त ये सॉफ्टवेयर काम आ सकता है जिसका नाम है लाइट पीडीएफ एडिटर जी हाँ लाइट पीडीएफ एडिटर आपको अलाउ करता है एग्जिस्टिंग पीडीएफ के कंटेंट को हटा के नए कंटेंट ऐड करने के लिए सिग्नेचर ऐड करने के लिए फोटो ऐड करने के लिए और ढेर सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं साथ ही में पी को हम मर्ज भी कर सकते हैं पी को मर्ज कर सकते हैं ढेर सारी पी को स्प्लिट कर सकते हैं और ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो कि भाई ये लाइट पी सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ सीधी बात नो बकवास ये वीडियो शुरू करते हैं खास तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में कहा कि आपको मैं बताने वाला हूँ लाइट पीडीएफ फॉर डेस्कटॉप ये सॉफ्टवेयर के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है जहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह के पेज के ऊपर आओगे और यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके इसका डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं अब मैंने यहां पे इसे ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा है मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने लाइट पीडीएफ ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट करके रखा है इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है और एडिट करना भी बहुत आसान है ढेर सारे ऑप्शन अवेलेबल करके देता है आपको यहां पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको ओपन क्रिएट ब्लैंक पीडीएफ कन्वर्ट टू पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स एंड बैच प्रोसेस बैच प्रोसेस मतलब एक साथ मल्टीपल पीडीएफ फाइल्स पे काम कर सकते हैं दैट इज बैच प्रोसेस फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने एक वर्ड में पीडीएफ नोट्स बनाए थे अब उस नोट्स में मुझे कुछ एग्जिस्टिंग कंटेंट हटा के नए कंटेंट ऐड करना है या कुछ एडिटिंग करना है इमेजेस ऐड करना है लोगो वगैरह कुछ भी ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगा ओपन पे क्लिक करते ही मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा मेरे पास जहाँ पे भी पीडीएफ पड़ा एफ ये रहा टैली ट्यूटोरियल दिखाई दे रहा टैली ट्यूटोरियल फाइनल नोट्स का एक पीडीएफ मेरे पास पड़ा है ओके okay, तो ये पीडीएफ मैं यहाँ पे भी ओपन करूंगा यहाँ पे मैंने ओपन किया यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीडीएफ ओपन हो चुका है अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो ऊपर टाइटल है इसमें थोड़ा सा चेंजेस मुझे करना है राइट right? तो यहाँ पे इसमें चेंजेस करने के लिए मैं क्या करूंगा सिंपल है यहाँ पे ऊपर आपको होम एडिट कन्वर्ट पेज ऐसे अलग अलग मेन्यूज मिल रहे हैं जिसमें हम एडिट में जा रहे हैं राइट right? इस एडिट टैब में मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कर्सर रखिए ये देखिए इस कंटेंट में मैं ऐड करना चाहता हूँ टेली प्राइम नोट्स तो मैंने प्राइम टेक्स्ट ऐड कर दिया देखिए वही पॉइंट में वो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है क्या बात है राइट right? यहाँ पे टेली नोट्स था मैंने टेली प्राइम नोट्स कर दिया मैं चाहता हूँ कि भाई इसे डिलीट ही कर दो चलो ये पूरा का पूरा डिलीट करना है सिलेक्ट करो डिलीट मार दो दैट्स इट इसे हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं नया टेक्स्ट तो यहाँ पे नया टेक्स्ट अगर ऐड करना है तो ऊपर देखिए एड टेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है एग्जिटिंग टेक्स्ट में चेंज करना है तो डायरेक्टली जाके क्लिक करो और चेंज करो और नया टेक्स्ट एड करना है तो यहाँ पे एड टेस्ट बटन दिया है तो यहाँ पे एड टेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ अभी और यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता तो, हूँ ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहता हूँ जैसे मैंने टाइप किया कंप्लीट टेक्नोलॉजी नोट्स कुछ भी ऐसा टाइप कर दो यहाँ पे तो इसकी साइज आप बढ़ाना चाहते हैं इसे सिलेक्ट कर लो यहां से आप इसकी साइज बढ़ा सकते हैं अठारह से बाइस कर सकते हैं या फिर इसका फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है दूसरा फॉन्ट रखना है जो फॉन्ट आपको चाहिए यहाँ से जैसे मुझे चाहिए फ्यूचर आ या फ्रैंकलिन जो भी यहाँ पे रखना है फ्यूचर है एम डी बी टी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो फॉन्ड यहाँ पे आ चुका है right? राइट तो आप यहाँ पे नया टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं साथ में आप चाहते हैं कि इस को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सारी चीज़ें करें तो यहाँ से सारे ऑप्शन आप एक्सेस कर सकते हैं ये देखिए राइट right? इस तरह से तो ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे दे सकते हैं तो उसके बाद यहाँ पे ऐड इमेज करके एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मैं फोकस कर रहा हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन आ रहा है कि भाई इमेज कहाँ से आप चूज़ करना चाहते तो आपके पास कोई भी डेस्कटॉप पे एक इमेज पड़ी है उसे आप ले लो और आप जहाँ पर रखना चाहते हो उसे आप रख सकते हैं यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे इमेज देखिए एग्जिस्टिंग पी में आप इस तरह से इमेज भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो उसके साथ साथ आप यहाँ पर हेड एंड फुटर भी ऐड कर सकते हैं सपोज मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हेड एंड फुटर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मैं इस पर क्लिक करता हूँ एड हेडर एंड फूटर पे जाऊंगा एक पॉपअप यहाँ पे आ जाएगा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा बेसिकली और यहाँ पे इसमें क्या करेंगे कि भाई हेडर में क्या रखना है कहाँ पे रखना है हेडर सेंटर में रखना है हेडर में रखना है वही मुझे रखना है कंप्लीट टेक्नोलॉजी नोट्स तो ये जो टेक्स्ट ना जो मैं लिखूंगा अभी हर हर पेज पे आएगा कंप्लीट टेक्नोलॉजी नोट्स और फुटर में क्या रखना है फुटर में रखना है लाइट पी ओके okay, इस तरह से मैंने रख दिया यहाँ पे सेंटर में रख दिया और इसका फॉन्ट साइज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं मैं यहाँ पे ओके करता हूँ ये देखिए ये कैसे आ रहा है कंप्लीट टेक्नोलॉजी और हर एक पेज पे आएगा ये कंप्लीट टेक्नोलॉजी टॉप में और बॉटम में लाइट पी आ रहा है आप जो पुराना वाला फूटर है उसे आप डिलीट कर सकते हैं और ये नया वाला फूटर ऐड कर सकते हैं तो इस तरह से हेड एंड फूटर भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं ढेर सारे एडिट के ऑप्शन यहाँ पे दें ये आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं अब आपको लगता है कि यार चलो ठीक है ये तो सब ठीक है मुझे क्या करना है ये जो पी है इसको वर्ड में कन्वर्ट कन्वर्ट करना है वर्ड में तो वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कन्वर्ट ऑप्शन आपको दिया है ये देखिए कन्वर्ट ऑप्शन में जाइए वर्ड में तो तो वर्ड में Excel में 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 एक्सेल एक्सेल अगर पीपीटी करना है जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला कि आपने पीपीटी से पीडीएफ किया अब यहाँ पे पीडीएफ से पीपीटी भी आप कर सकते हैं तो मैं इसे वर्ड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो बोल रहा है कि सेव करके कन्वर्ट करना है जो एग्जिस्टिंग आपने चेंजेस किए यस सेव करो और कन्वर्ट करो चलो ठीक है यहाँ पे कन्वर्जन स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज आ चुका है कन्वर्जन सक्सीडेंट तो अभी हम इस फाइल को ओपन करके देखते हैं भाई वर्ड में ये कैसे दिखाई देगी ये रहा टेली ट्यूटोरियल वर्ड फाइल और मैं इसे ओपन करता हूं ये देखिए एज इट इज इसने वर्ड में कन्वर्ट किया एंड दिस इज आल्सो एडिटेबल फॉर्मेट ये देखिए इमेजेस वगैरह प्रॉपर प्लेस कर चुका है इधर उधर टेक्सट नहीं एज इट इज फॉर्मेट आ चुका है दोस्तों तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिटर है दोस्तों एज इट इज़ कन्वर्ट करता है फाइल्स को कन्वर्ट के बाद यहाँ पे पेज ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है पेजेस के अंदर आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिल रहे हैं पेज को इंसर्ट करना रोटेट करना डिलीट रिप्लेस एक्सट्रैक्ट एंड स्प्लिट पीडीएफ स्प्लिट मतलब यहाँ पे देखिए इस पीडीएफ में कितने पेजे से तीस तो मैंने स्प्लिट करना चाहता हूं तो मैं स्प्लिट पे क्लिक करूंगा और मैं आता हूं कि भाई कितना स्प्लिट करना है कैसे स्प्लिट करना है राइट तो आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं मुझे 10 10 पेज का प्लीट करना है तो यहां पे मैं रखूंगा 10 पेज पर 10 पेज के बाद ये स्प्लिट होगा ओपन द फोल्डर ओपन द फोल्डर यानी कि ये देखिए दस दस पेजेस का यहाँ पे क्या किया उसने पी डी एफ कन्वर्ट कर दिया तो एक पी डी एफ को आप अलग अलग पेजेस में कन्वर्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं राइट तो यहाँ पे पी डी एफ आसानी से स्प्लिट भी करता है साथ में यहाँ पे कमेंट नाम का एक टैब आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आप एग्जिस्टिंग पी डी एफ में लाइन्स रेक्टेंगल्स या कमेंट ऐड कर सकते हैं जैसे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ यहाँ पे तो ये देखिए मैं रेक्टेंगल करके इसे इस तरह से ड्रॉ करना चाहता हूँ या सर्कल करके कोई पॉइंट को मैं नोटिस कराना चाहता हूँ लोगों को कि भाई इस पर ध्यान दो तो मैं यहाँ पे इसको नोटिस कराना चाहता हूं इस तरह से आप एग्जिस्टिंग पीडीएफ में अलग अलग शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं एरो कर सकते हैं जैसे ये मार्क करना चाहता हूँ तो इस तरह से देखिए यू कैन ड्रॉ लाइक दिस है ना ढेर सारी अलग अलग चीजें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको टेक्स्ट को हाईलाइट करना है कोई लाइन को हाईलाइट करना है तो हाईलाइटर बटन पे क्लिक करो और यहाँ से इसे ड्रैग करो ये देखिए ये हाईलाइट भी हो रहा है बहुत ही आसानी से मतलब यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको मेहनत लेने की जरूरत नहीं दोस्तों बस आपको क्लिक एंड ड्रैक करना है एंड ये काम हो रहा है राइट कमेंट्स इस तरह से ऐड हो रहे हैं साथ में यहाँ पे टूल्स नाम का टैब आपको दिखाई दे रहा है इस टैब में आपको क्रॉप बैकग्राउंड ऑटरमार्क ऐड करना और रिमूव करना यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है जैसे यहाँ पे इस पीडीएफ को मुझे पासवर्ड सेट करना है तो मैं सेट पासवर्ड में जाऊँगा ओपनिंग पासवर्ड सेट करना है तो इस पीडीएफ को मैं अभी पासवर्ड देकर रख रहा हूँ जैसे कि इसको मैंने जो भी पासवर्ड दिया अगर मैं यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ तो ये लॉक हो गया अब जब भी मुझे इसको ओपन करना है तो ये पासवर्ड देना पड़ेगा याद रखिए पासवर्ड देना पड़ेगा तभी ये ओपन होगा तो यहाँ से आप पासवर्ड सेट भी कर सकते हैं यहाँ से रिमूव पासवर्ड भी कर सकते हैं अगर आपको पासवर्ड रिमूव करना है तो पासवर्ड रिमूव भी कर सकते हैं आपने सेट किया पासवर्ड राइट right? और साथ ही में इस पीडीएफ में आपको सिग्नेचर ऐड करना है तो आप या साइन वाले टैब में क्लिक करोगे हैंड रिटर्न सिग्नेचर पे जाओ आपको कोई हैंड रिटन सिग्नेचर ऐड करना है तो यहाँ पे ड्रॉ सिग्नेचर सिग्नेचर ड्रॉ कर लो ओके okay, यहाँ पे ड्रा करके ओके okay, करो आ जाएगा लेकिन आपको लगता है ड्राइंग नहीं आपको टाइपिंग वाला सिग्नेचर चाहिए तो आप नाम टाइप भी कर सकते हैं या सिग्नेचर आपने ऑलरेडी करके रखा है तो इंपोर्ट फाइल्स में जाइए आपके पास जहाँ पे भी सिग्नेचर पड़ा है जैसे ये मेरा सिग्नेचर है यहाँ पे मैं इसे लेता हूँ और सेव करता हूँ ये सिग्नेचर यहाँ पे आ चुका है और इस सिग्नेचर की खासियत ऐसी कि आपको हर एक पेज पर ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड टू ऑल पेजेस पे आप क्लिक करो ये देखिए ऐड टू ऑल पेजेस मैं एक ही बार यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो हर एक पेज पर वहाँ पे ऐड हो जाएगा ये देखिए राइट right? मुझे बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है या फिर आप कंटिन्यूस करते हो कंटिन्यूस मतलब यहाँ पे एक बार ऐड है यहाँ पे एक बार ऐड है यहाँ पे एक बार ऐड मल्टीपल टाइम्स ऐड होते जाएगा तो ऐसा यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको पी के मिलेंगे दोस्तों साथ में इस पी एडिटर में एक पी को कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं ये जो पी है इसकी साइज आपको कम करनी है जैसे यहाँ पे एग्जिटिंग पी डी की साइज हम पहले डेस्कटॉप पर देख लेते इसकी साइज है प्रॉपर्टीज में जाकर मैंने देखी वन पॉइंट राइट तो मैं इसे कॉम्प्रेस करना चाहता हूं तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आऊंगा और टूल्स में इसी फाइल को मैं कॉम्प्रेस पी पे क्लिक कर दूंगा तो मैं कॉम्प्रेस पीडीएफ पे क्लिक करते ये कॉम्प्रेस हो जाएगा और यहां है दिखाई दे रहा है आपको ओपन कीजिए और राइट right क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर साइज चेक कीजिए ये देखिए पे जीरो पॉइंट हो गया है हालांकि इस वाले पीडीएफ में हमने इमेज भी ऐड कर दी है तो यहां पे आसानी से आप कर सकते हैं साथ में इस पी एडिटर में एक बैच प्रोसेस नाम का ऑप्शन है जहाँ पे एक साथ पी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं ढेर सारे पी को मतलब आप दो तीन चार पी को एक साथ कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कन्वर्ट फ्रॉम यहाँ पे क्लिक करो आपके पास जितनी भी पी पड़ी है जैसे यहाँ पे एक है दो है है, चार है चार पीडीएफ आप एक साथ लेके यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी फॉर्मेट में आपको चाहिए जैसे यहाँ पे वर्ड फॉर्मेट में चाहिए तो वर्ड फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट रखा है और कन्वर्ट पे मैंने यहां पे क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चारो चारों के चारों पीडीएफ एक साथ कन्वर्ट हो जाएंगे आपको यहाँ पे एक एक पीडीएफ को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है तो बैच प्रोसेस में ये देख सकते हैं चारो चारों के चारों फाइल्स यहाँ पे वर्ड में कन्वर्ट होकर आ चुकी है तो यहाँ पे आपका टाइम सेव होता है मतलब आपके पास सौ पीडीएफ है दो सौ पीडीएफ है तो बैच प्रोसेस यहाँ पे आपका टाइम सेव करता है दोस्तों और साथ ही में मैं बताना चाहूंगा कि भाई इस लाइट पी का मोबाइल वर्जन भी अवेलेबल है आप मोबाइल ऐप भी इसका इंस्टॉल कर सकते हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड इस लाइट पी के बारे में तो अभी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए जरूर चेकआउट कीजिएगा मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा साथ में चैनल पर नए मेहमान हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी किया होगा लाइक शेयर कमेंट ऑलरेडी किया होगा मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय